टू माय किचन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है कि शकरकंद हम प्रेशर कुकर में कैसे स्टीम करें। उबालते तो हैं कई बार हम, लेकिन उसमें एक तो इस फट जाती है और इसका मीठापन कम हो जाता है और खाने में और देखने में दोनों में अच्छी नहीं लगती। तो मैं आज आपको इसमें प्रेशर कुकर में स्टीम करना बताऊंगी थोड़े से पानी में। तो पहले भी मैंने अपनी रेसिपी माइक्रोवेव में आपको बताई हुई शकरकंद को कैसे रोस्ट करें, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अब मैं आज आपको कुकर में बता रही हूँ। तो ये देखिए, इसमें हमें प्रेशर कुकर तो चाहिए ही होगा, इसलिए ऐसा कोई स्टैंड हो आपके पास गैस के ऊपर रखना, चाहे ऐसे ढक्कन हो या ऐसा स्टैंड जो आपके कुकर में आ जाए। मेरे में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे अब मैं इसको मेरे में ये आ रहा है, तो मैं इसको ये रख दिया। ये देखिए, जैसे मैंने ये रख दिया, तो ये ढक्कन भी आप रख सकते हैं। और इसमें हम आधे कप से भी थोड़ा कम पानी डालेंगे, ये आप देख सकते हैं इतना पानी डाला। आधा किलो ये शक्करकंद लिए यानी स्वीट पोटैटो, इसका आगे पीछे का थोड़ा सा हम काट लेंगे। इसी प्रकार मैं सारे काट लेती हूँ, दोनों तरफ से काट लिए। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट या कुछ लेके जो इसमें आ जाए ऐसे रख देंगे। इसको उल्टा भी करके रख सकते हैं और सीधा भी। और ये मेरे पास आधा किलो शक्करकंद है, यानी 6 से 7 शक्करकंद है। इनको पहले अच्छी तरह से धो लेंगे। इनको हम यहाँ पर एक एक करके इनको रख देंगे। ढक्कन रख के मैंने ये सारी सेट कर दी है। और इतनी आप, अगर आपके पास ज्यादा है तो आप ऊपर इसके एक लेयर लगा सकते हैं। हम प्रेशर कुकर बंद कर देंगे, पानी हमने कम ही डालना है। अब इसको गैस पे रख, हमने ऑन करके कुकर रख दिए, हाई फ्लेम पे करेंगे। जब हमारी विसल की प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा तो हम फिर उसके बाद, एक विसल आने के बाद इसको हम इसको लो मीडियम पे करके फिर इसको 2 विसल दिलाएंगे। तब तक मैं आपको फिर नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये पहली विसल हो चुकी है। अब मैंने देखी गैस को हमने कैसे करना है, ये हम फुल पे थी, तो अब हम इसको मीडियम पे करके इसको 2 विसल देंगे मीडियम पे। फिर हम इसको बंद कर देंगे, फिर जब इसकी प्रेशर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा फिर हम खोलेंगे, यानी कि कुकर ठंडा होने के बाद। तो 2 विसल होने के बाद फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ। होने के बाद हमने 10 मिनट इसको और पकाया लो मीडियम पे, तो और इसका ऑलमोस्ट इसका प्रेशर खत्म हो गया। तो अब हम इसको खोल के देखते हैं और आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल इसमें पानी में डूबी नहीं है। और ये देखिएगा, इसमें पूरा कांटा चला गया। ये देखिए, ये हमारी बॉयल हो गई है, ये बॉयल यानी कि स्टीम हो गई है। मैं भी आपको निकाल के दिखाती हूँ। स्टीम हो गई है और इनका छिलक भी उतरना शुरू हो गया है बिल्कुल अच्छी तरह से। जस्ट इसको 10 मिनट से कम टाइम लगा, तो आप देख सकते हैं पानी हमने कितना कम डाला था और अभी भी इसमें बच गए। ये देखिए, तो ये बड़ा इजी मेथड है। तो अभी मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। ये बड़ी है, मोटी है थोड़ी, तो ये भी होगी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं गर्मा गर्म शकरकंद स्टीम होके तैयार हो गई है। आप इसको चाहे चाट बना के खाइए या ऐसा ऐसे भी खाइए, काला नमक और काली मिर्च लगा के, तो बहुत मिठास और प्रोटीन से भरपूर आपको मज़ा देंगी। तो अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।